नमस्कार साथियों, जैसा कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा है, उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम लोगों ने राजा राम मोहन राय, उनसे संबंधित ब्रह्म समाज, आत्मी सभा, सती प्रथा के विरोध तथा इसके जो सती प्रथा ना हो सके इसके लिए उन्होंने प्रयास जो किया था, तो सती प्रथा विरोध पर कानून बना 1829 का कानून, उसको पढ़ा हम लोगों ने। फिर इसके बाद हम लोगों ने और भी टॉपिक देखे थे, आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ऐसे एक है प्रार्थना समाज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है परमहंस मंडली, परमहंस मंडली के उपरांत एक बहुत आपका इम्पॉर्टेंट रहता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सोसाइटी सत्य शोधक समाज और रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य कौन हैं? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, इनको देखेंगे, इनसे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन जो भी होगी वो हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रयास करें कम से कम इतने टॉपिक हो जाए, फिर हम जो ये हो गए कवर तो आगे बढ़ेंगे। क्लियर? फिर जो है आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है, इसमें प्रार्थना समाज, कौन सा टॉपिक है? प्रार्थना समाज। देखते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज से भी पहले कर लीजिए परमहंस मंडली। देखिए, ज़्यादातर जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, या फिर बंगाल में हुए या फिर कहाँ हुए, महाराष्ट्र में, आप क्रांतिकारी भी घटनाएं देखोगे ज़्यादातर या फिर महाराष्ट्र में हुई हैं, ज़्यादातर या फिर बंगाल में हुई हैं। थोड़ा सा इस फैन को बंद कर लीजिएगा, ये वाला फ़ैन, आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, हाँ, तो इन टॉपिक्स को देखेंगे। उसमें हम लोग कौन सा चर्चा कर रहे हैं? परमहंस मंडली। देखिए होता क्या है, महाराष्ट्र में ही 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना हुई। क्लियर? इसके संस्थापक या स्थापनाकर्ता में किसको मानते हैं? संस्थापक में जो नाम आता है संस्थापक में, तो एक नाम है दादोबा पांडुरंग। कौन थे? पांडुरंग। दुर्गाराम मेहता जी ये संस्थापकों में इनके नाम आते हैं, जो मेन ये थे दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी। तो क्वेश्चन आ जाए परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई मिलान में हो, तो 1849 सही है। और जुड़े हुए कौन है? तदोबा पांडुरंग और दूसरे कौन है? दुर्गाराम मेहता जी। ठीक है, फिर जो हम लोग देखते हैं परमहंस मंडली का कॉन्सेप्ट क्या था, खासकर यह भी जो है मानव धर्म को सर्वोपर मानती थी, मानव धर्म, जाति व्यवस्था का विरोध। खासकर इसे मान लिया परमहंस मंडली की, ऐसे पहला स्टेटमेंट लिखा परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में हुई, और फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखाओ परमहंस मंडली मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए जात व्यवस्था का विरोध करती थी। तो ये बातें क्या हैं? दोनों सही हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता था, खासकर ये परमहंस मंडली होती थी, मंडली, तो इस मंडली में निम्न जातियों के द्वारा भोजन बनाया जाता था,
और उसे मंडली के सभी सदस्यों द्वारा ग्रहण किया जाता था। यदि उसमें मंडली में कोई उच्च वर्ग का भी सदस्य होता था उस भोजन को क्या करता था, ग्रहण करता था। इस प्रकार ये जात व्यवस्था को जो है मतलब दरकिनार करने की बात करते थे। तो ये सब तरीका था इनका, किसका, परमहंस मंडली का। क्लियर। तो ऐसे स्टेटमेंट टाइप की कोई बात हो कि पहली बात देखी हो, परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में तदोबा पांडुरंग द्वारा की गई, ये भी बात सही है। फिर दूसरा स्टेटमेंट हो कि इसमें जो है जात व्यवस्था का बड़े स्तर पर विरोध किया गया, तो ये दोनों बातें क्या हैं। क्लियर। तो हमने कहानी थोड़ी सी बता दी थी, वो भी बता दी आपको। अब हम लोग देख रहे हैं आगे, देखते हैं फिर जो है मेन परमहंस मंडली में इतना ही मेन आपको स्थापना पता होनी चाहिए और इसका जो है विचार क्या है। देखिए इस टॉपिक में दो चीज़ें मेन हैं, स्थापना कौन कर रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट, और उसका विचार क्या है, मतलब क्या उसका कॉन्सेप्ट है, आखिर क्या उद्देश्य है उसके बनने का। क्लियर। दो चीज़ों पर आपको फोकस होना चाहिए। फिर आइए हम लोग देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज देखिए, प्रार्थना समाज में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। बॉम्बे में पहली बात इसकी स्थापना कहाँ हुई है, बॉम्बे में 1867 या 1860 में केशव चंद्र सेन से प्रेरणा प्राप्त करते हुए आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट, इसमें पूछ सकता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो ऑप्शन मिलेगा केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन को लगाओगे। जो ऑप्शन मिलेगा आत्माराम पांडुरंग को, तो आत्माराम पांडुरंग फर्स्ट प्रियोरिटी किसको लगाओगे, आत्माराम पांडुरंग को, केशव चंद्र सेन को नहीं लगाओगे, किसको लगाओगे, आत्माराम पांडुरंग की। तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रेरणा किससे प्राप्त की, केशव चंद्र सेन से। कहाँ की, बॉम्बे में की। कब की, 1867 में, 1867 में। क्लियर। तो ये बातें याद रखना है। अब आइए बाद में इसमें कौन शामिल हो रहा है, बाद में इसमें शामिल होगा कौन, शामिल हुआ बाद में इसमें शामिल हुए कौन, कौन कौन इसमें बाद में शामिल हुए, खासकर महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। इसमें भंडारकर एक चंदारवरकर भी थे, तो आपको भंडारकर याद रखे हैं और गोविंद महादेव गोविंद रानाडे। तो जब आपके केशव चंद्र सेन भी ऑप्शन ना मिले, आत्माराम पांडुरंग भी ना मिले ऑप्शन में, तो किसको टिक मारोगे, महादेव गोविंद रानाडे को। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट है महादेव गोविंद रानाडे। देखिए जो प्रार्थना समाज था इसने धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ साथ सामाजिक सुधार पर ज़्यादा ध्यान दिया है, किसने, प्रार्थना समाज ने। इसके कॉन्सेप्ट क्या थे प्रार्थना समाज के, जैसे इसके कॉन्सेप्ट क्या थे प्रार्थना समाज के, प्रार्थना समाज के उद्देश्य, उद्देश्य क्या कह सकते हो, उद्देश्य में जो कहा जाए, एक तो उद्देश्य है जाति व्यवस्था का विरोध, विरोध जाति व्यवस्था का विरोध। दूसरा पॉइंट हो सकता है इंपॉर्टेंट, जाति व्यवस्था का विरोध हो गया, फिर क्या बन सकता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन, ये भी था इनके जो है मेन मैनिफेस्टो या उद्देश्य में। विधवा पुनर्विवाह पर जोर देना, फिर लड़कियों
के विवाह की आयु में वृद्धि, लड़कों एवं लड़कियों की आयु में वृद्धि, ये किसके कॉन्सेप्ट हैं, ये किसके उद्देश्य हैं? प्रार्थना समाज। देखिए प्रार्थना समाज हो, चाहे इससे पहले जो आपका भी है परमहंस मंडली हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे आत्मी सभा हो, ज़्यादातर ये हिंदू धर्म और सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयासरत हैं ज़्यादातर। तो जो सामाजिक व्यवस्था में सुधार के लिए, जाति व्यवस्था का सुधार था, महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना ये एक उनके विकल्प में रखा गया था, प्लस इन्होंने किस पर ध्यान देने की बात की, विधवा पुनर्विवाह। जो विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पास हुआ था, उसी को देखा जाए उसी के बाद ये सब चीज़ें और हो रही हैं। देखिए कब बन रहा है, 1867 में। और बात जाता लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करने की होती थी, इन्होंने क्या कहा, लड़कों एवं लड़कियों की आयु में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। जैसे क्वेश्चन ऐसे बना सकते डायरेक्ट, पहली लाइन लिखी हो कि 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। फिर लिखा हो अगला सेंटेंस, प्रार्थना समाज की स्थापना पुणे में की गई। दूसरा सेंटेंस लिखाओ, तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। और अब आ जाए कॉन्सेप्ट पर, प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज की स्थापना गोविंद रानाडे ने की, पहला स्टेटमेंट दिया हो। फिर दूसरा दिया हो, प्रार्थना समाज के प्रमुख उद्देश्यों में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन तथा लड़के लड़कियों की आयु, लड़के लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना, तो पहली वाली बात तो क्या है, गलत है। कि जब उसमें सीधे सीधे स्थापना में कह रहा है, शामिल तो हैं लेकिन सीधे सीधे स्थापना में नहीं है, क्लियर, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो अब विकल्प पे देखोगे जो है प्रार्थना समाज से संबंधित थे, मान लीजिए आपको पहला पॉइंट है केशव चंद्र सेन, दूसरा पॉइंट है मान लीजिए आपका आत्मारंग पांडुरंग, तीसरा पॉइंट है महादेव गोविंद रानाडे। अब ये नहीं कोई दिए हैं, कोई और ही दिया है, तो आप इसमें से कह दे कौन संबंधित नहीं है, तो वो संबंधित नहीं है, ठीक है। वहाँ पे मान लीजिए गोपाल कृष्ण गोखले का नाम दे दे तो वो संबंधित नहीं है, क्लियर। मान लीजिए भंडारकर का नाम दे दे, महादेव गोविंद रानाडे का दे दे, केशव चंद्र सेन का दे दे, और कोई और चौथा नाम रख दे, तो इसीलिए इन सारे नाम को भी दिमाग में रखना जरूरी है। अब आइए क्या होता है, महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र की बहुत बड़ी समाज सुधारक हस्तियों में उनका नाम आता था, महादेव गोविंद रानाडे का। इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे ने करवे, डी के करवे के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया। कहा जाए महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो डीके करवे, और कौन है, महादेव गोविंद रानाडे। तथा एक साथ जो है एक और स्थापना की, विधवा होम एसोसिएशन की स्थापना, ठीक है। डीके करवे भी महिला शिक्षा और उनके उत्थान और विधवाओं के पुनर्विवाह या विधवाओं के संबंधित जो भी उनके अधिकार हैं उसकी लड़ाई करने वाले प्रमुख समाज सुधारी थे, कौन, डीके करवे, ठीक है। चलिए अब आके हम लोग देख रहे हैं, ये तो आपका प्रार्थना समाज के बारे में हमने जो जो मेन मेन बातें थी वो सब बताई, इससे जुड़े हुए जो लोग थे उनकी बातें बताई, आगे फिर चर्चा होगी, कहीं भी कुछ जिक्र लोगों का आएगा तो और भी चर्चाएं की जाएंगी, मेन प्रार्थना समाज में ही था। अब हम लोग देख रहे हैं आगे, प्रार्थना समाज के बाद हमने कौन सा टॉपिक उसमें लिखा था, हाँ अब है सत्यशोधक समाज, उसके बारे में देख रहे हैं, सत्यशोधक समाज। हाँ नहीं, रानाडे ने, मतलब प्रयास है उनका किसका, करवे, दोनों लोग सहयोग में ही कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाइए, अब हम लोग देख रहे हैं किसको इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो सत्यशोधक समाज है तो इसमें किसको देखते हैं हम लोग, ज्योतिबा फुले को, और ज्योतिबा फुले की पत्नी है, उनका क्या नाम है, सावित्री
भाई फुले। जब ज्योतिबा फुले के बाद इसको जो आगे तक कौन ले जाता है, सावित्री फुले ले जाती हैं किस आंदोलन को या किस संस्था को, सत्यशोधक समाज को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें मामला क्या है। तो जो है ज्योतिबा बाई फुले, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या मैटर है। देखिए ज्योतिबा बाई फुले का जन्म जो हुआ था, जन्म माली परिवार में हुआ। इन्होंने जो है शिक्षा बड़ी मुश्किलों से प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 1873 ईस्वी में, ये बहुत क्वेश्चन पूछा आता है, 73 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो मुख्य उद्देश्य देखा जाए, जो इसका उद्देश्य देखें हम लोग, क्लियर। अब उद्देश्य में जो हम लोग देखते हैं तो क्या पाते हैं, जो है समाज सेवा, सामाजिक सेवा। इनका पहला उद्देश्य क्या है, सामाजिक सेवा। ठीक है, कौन सेवा है, सामाजिक सेवा, क्लियर, पहला है। और दूसरा जो इनका हम लोग देखें, जो सामाजिक सेवा पहला हो गया, दूसरा जो मेन इनका उद्देश्य रहा, निम्न जाति एवं महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षा के लिए निम्न जात के लोग लगा लेंगे, लोग तथा महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। क्लियर, ये क्वेश्चन पीसीएस इधर 21-22 में किसी पीसीएस में से सत्यशोधक समाज से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, तो ये भी दिमाग रखें, मान लीजिए ज्योतिबा इसमें आ जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा बाई फुले ने की, फिर अगला स्टेटमेंट दिया हो इस सत्यशोधक समाज का उद्देश्य सामाजिक सेवा तथा महिलाओं एवं निम्न जाति के लोगों के को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। ठीक है, फिर आ जाए जो दूसरा इसमें देखा जाए, जो कहा जाए उच्च जातियों के विरुद्ध आंदोलन किया, इनका आंदोलन किया उच्च जातियों के विरुद्ध आंदोलन था, इन्हें कहीं कहीं समाज परिवर्तक भी कहा गया, समाज सुधारक की जगह क्या कहा गया है, समाज परिवर्तक, क्लियर। इन्होंने इनका विवाह किसके साथ हुआ, अच्छा इनकी पुस्तक भी लिखी है, इनकी पुस्तक कौन सी है फेमस, हाँ इनकी पुस्तक कौन है, गुलामगिरी, इनकी पुस्तक कौन है, गुलामगिरी। अब आइए जो और हम लोग इसके बारे में देखें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, जो ध्यान दिया जाए तो देखते हैं कि इन्होंने विवाह किसके साथ किया, इन्होंने सावित्री बाई फुले के साथ विवाह किया। ठीक है, ये भी माली परिवार से, क्लियर, तो दिमाग में रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग, ये जो है इनको इनकी पढ़ाई की व्यवस्था जो है घर पर ही किसने कर दी, ज्योतिबा बाई फुले ने, घर पर ही इनको पढ़ाया लिखा है। तो आगे चल के यही जो है महिला सेवा मंडल की स्थापना करते हैं, किसकी स्थापना करते हैं, महिला सेवा मंडल की स्थापना, महिला सेवा मंडल की स्थापना, सहयोग ज्योतिबा फुले का होता है, करती कौन है, सावित्री बाई फुले, क्लियर। फिर जो है एक और इन लोगों के प्रयास से एक और जो है संस्था की स्थापना होती है, उसे कहते हैं बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। कौन से स्थापित हो रहा है, ये कब स्थापित हो रहा है, 1863 में, क्लियर।
ज़्यादातर समाज में ऐसी बुराइयाँ थीं, परेशानियाँ थीं कि जो अविवाहित महिलाएं होती थीं, यदि उनके शिशु होता था या उनके बच्चा होता था तो उनके पास दो ही विकल्प होते थे, या फिर बच्चे को मार दे या फिर स्वयं मर जाएं, ठीक है। दूसरा जो है विधवा वाली जो स्त्री होती थी उनके बच्चों का भी यही हाल था, जब वो जन्म देने वाली होती थी या फिर स्वयं मर या फिर बच्चे को मार दें, इस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी सामाजिक व्यवस्था में। तो इन लोगों ने एक बनाया बाल हत्या प्रतिबंध गृह, प्रतिबंधक गृह, उसमें ये समझ लीजिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो था ये अपने घर में ही बना लिया था बताया जाता है, और उसी में जो है उन महिलाओं का प्रसव होता था, जो महिलाएं जो है स्वयं सुसाइड करने वाली हों या अपने बच्चे को मारने वाली हों। समझ पाए कि नहीं? तो क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, अविवाहित महिलाओं द्वारा उत्पन्न बच्चे को जन्म देने तथा विधवा महिलाओं को बच्चे के जन्म देने हेतु प्रतिबंधक गृह स्थापित किया गया, तो उसमें लिखा हो ऑप्शन में तो किसको लगाओगे? सावित्री बाई फुले, क्लियर। तो ये भी याद रखेगा, ये कब स्थापित हुआ था? 1863 में। ये रियल में जो सावित्री बाई फुले थी एक कवित्री भी थी, क्या थी? कवियत्री। कवित्री हिंदी में लिखना कठिन है, कवियत्री सही है ये लिखा था इस तरीके, ठीक है। हाँ, तो दिमाग में ये भी रखना है आपको। तो हम लोगों ने किसके बारे में देखा, खासकर सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा बाई फुले, और कौन है? सावित्री बाई फुले, क्लियर। और खासकर सत्यशोधक समाज से क्वेश्चन बनता है और इसकी विचारधारा से बनता है। कहता है जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध जो आंदोलन चलाने वाली जो कोई इसमें कौन सा था जो शीर्ष जो संस्था थी, तो कौन लगाएंगे? समाज, सत्यशोधक समाज, क्लियर। तो ऐसे तरीके क्वेश्चन बन जाए। पहला स्टेटमेंट देगा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले ने 1873 में की, पहला स्टेटमेंट। फिर दूसरा स्टेटमेंट, सत्यशोधक समाज सामाजिक सेवा महिलाओं एवं निम्न जातियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना था, ठीक। ये दोनों बातें क्या हैं? सही हैं, बढ़िया के। चले अब अगला हम लोग देख रहे हैं कौन सा, सत्यशोधक समाज भी हो गया मतलब ज्योतिबा बाई फुले भी हो गए, अब अगला पॉइंट कौन सा है? हाँ, कौन सा मैंने बताया था, सर्वेंट्स ऑफ जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए जो बेसिक है तो सब पढ़ेंगे, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ये बच्चा बच्चा पढ़ेगा। लेकिन आपसे वही बात है, पीसीएस या समीक्षा अधिकारी से एग्जाम में एक स्टेटमेंट होता है तो उसके नीचे उसका क्या आता है? विचार आता है। और पहला वाला तो बहुत अच्छा लगता है जो स्टेटमेंट पढ़ोगे, क्योंकि आता है, लेकिन जब दूसरा वाला पढ़ोगे तब लगेगा अरे ये तो पढ़ना चाहिए था हमको, हमने पढ़ाई नहीं, ये समस्या ना उत्पन्न हो, इसीलिए हम थोड़ी सी अंदर तक बातें आपको बताते हैं, कहीं से कुछ इधर उधर ना हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अब जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना जानते ही हो, इसकी स्थापना 1905 में, 5 ईस्वी में किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की, क्लियर। किसके सहयोग, इसमें सहयोग भी रहता है, सहयोग रानाडे का था। किसका सहयोग था? रानाडे। किसका सहयोग है? रानाडे का, क्लियर। हाँ, वो फिर बंद हो गया, या फिर उसको खोल दीजिए, उसको लगा दीजिए नीचे स्टॉप पर। हाँ ठीक है, फिर आइए। तो गोविंद ये हुआ कि रानाडे के सहयोग से हुआ, क्लियर। फिर हम लोग देख रहे हैं जो अगला पॉइंट है, देखा जाए इस सोसाइटी का मेन क्या उद्देश्य था, इसने जो क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राजनीतिक कार्यों से दूरी बनाई। किससे दूरी बनाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राजनीतिक कार्यों से दूरी रखी, ठीक है। फिर इसका भी मेन उद्देश्य यही था कि समाज सुधार करना। अब जो है 1905 बताया था, 1915 के बाद से जो इस जो है
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को कौन चला रहा था? श्रीनिवास करके एक नाम आता है, श्रीनिवास, ठीक है, वो इस सोसाइटी को चलाने लगे थे। इस सोसाइटी में खासकर आदिवासियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, समाज में जो कमजोरियां हैं, समाज में जो कमजोर वर्ग है उसको जो है सपोर्ट करना, ये सब इनका भी था। देखिए तभी सर्वेंट्स ऑफ क्या रखा है, इंडिया सोसाइटी। तो आप जैसे स्टेटमेंट आ जाए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। फिर अगला स्टेटमेंट हो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी राजनीतिक कार्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण संस्था थी, तो पहली वाली बात सही, दूसरी वाली बात क्या है, गलत है। इसने राजनीति से अपने को क्या रखा, अलग रखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी अलग रखा, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले थे, क्योंकि ये तो उदारवादियों में आते थे, तो इधर कांग्रेस से भी इनको बुलाया जा सकता था, बहुत कार्य हो सकता था, तो इसीलिए इन्होंने अपने अपनी सोसाइटी को किससे दूर रखा, कांग्रेस से, ठीक है। तो दिमाग में रखेगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। और हमने एक और इसमें टॉपिक लिखा होगा, कौन सा है, स्वामी विवेकानंद जी का, रामकृष्ण परमहंस, अभी और भी कोई है टॉपिक, इसके बाद कोई और भी टॉपिक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं टॉपिक है कौन सा, रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के विचारों में रहता था ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं, मतलब ईश्वर तक पहुंचने के क्या हैं, विभिन्न रास्ते हैं, ईश्वर मानना था एक ही है, ठीक है, कौन मान रहा है, रामकृष्ण परमहंस। मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस की जब मृत्यु होती है तो रामकृष्ण परमहंस इतना नहीं प्रसिद्ध थे, उससे ज्यादा रामकृष्ण परमहंस को प्रसिद्ध उनके किसने कर दिया, शिष्य ने कर दिया, उन्हीं का एक शिष्य था कौन, स्वामी विवेकानंद। देखिए जो भी शिक्षक प्रसिद्ध हुए हैं वो अपने कार्यों से तो हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके शिष्यों ने प्रसिद्ध किया, चाहे कोई भी देख लो, हिस्ट्री में उठा के देख लो, अरस्तु क्यों ज्यादा जाने गए, कि सिकंदर के क्या थे, गुरु थे, क्लियर। चाणक्य क्यों ज्यादा जाने गए, क्योंकि चंद्रगुप्त के क्या थे, गुरु थे, चंद्रगुप्त को तैयार कर दिया उन्होंने, चाणक्य ने, चंद्रगुप्त भी तो आम व्यक्ति थे, चाणक्य ने वो कुछ कठोर नियम रखे, कुछ पोलाइट नियम रखे, उन सबको फॉलो भी किया चंद्रगुप्त ने, ये चंद्रगुप्त की सत्ता थी। अरस्तु की भी कुछ ना कुछ, जब अरस्तु ने पढ़ा कायदे से, जब अरस्तु की शिक्षा कायदे से सिकंदर ने ग्रहण की, बहुत सारी शिक्षाएं युद्ध में अरस्तु की ही वो चलता था, कौन, सिकंदर। अब कुछ नहीं भी फॉलो की, कुछ फॉलो भी की, ज़्यादातर फॉलो की उसने, प्रसिद्ध मिले, अरस्तु को भी प्रसिद्ध मिली। अब आ जाइए जो देखा जाए प्लूटो, प्लूटो का भी संबंध जो है, अरस्तु किसके शिष्य थे, प्लूटो के, तो प्लूटो का भी जिक्र आता है। और फिर उधर कौन, इसके नीचे चले जाए, सुकरात, सुकरात जो ये चैन है, जो प्रसिद्धि वाली चैन रहती है, कहाँ एथेंस में सुकरात हैं, प्लूटो हैं, कहाँ से आप लोग कहाँ के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आइए ऐसे जो रामकृष्ण परमहंस हैं, इनको प्रसिद्धि इनके शिष्य किसने दिलाई, स्वामी विवेकानंद। इन्हीं की शिक्षाओं को प्रमोट करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण परमहंस मिशन की क्या की थी, स्थापना की। लगभग जो इनके कॉन्सेप्ट थे, मानव धर्म सर्वोपरि है, तो स्वामी विवेकानंद जी भी मानव धर्म को सर्वोपरि मानते थे। अब स्वामी विवेकानंद जी बहुत आगे तक बढ़ते चले गए, अब रामकृष्ण परमहंस मिशन के ट्रस्ट आज भी हैं, और रामकृष्ण परमहंस मिशन का बहुत ज़्यादा आपको देखने को कहाँ मिलेगा, बंगाल में, कहाँ भी देखने को मिलेगा, बंगाल में। सब मामला जो है कैसा, क्या रामकृष्ण परमहंस के विचार हैं, कैसी क्या संस्था है, सब आपको देखने को मिलेगी। आप कभी बंगाल जाइएगा, बैरकपुर से कुछ ही दूरी पर हावड़ा ब्रिज के पास ही आपको बेलूर मठ मिलेगा, बेलूर मठ में ही जो है रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की गई थी, तो बहुत बड़ा बढ़िया बना हुआ नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। अब देख रहे हैं इनके बारे में, इनका विचार था एक मेन क्या था, ईश्वर तक पहुंचने के, ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं, विभिन्न रास्ते हैं। इनकी शिक्षा, इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद, इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इनकी शिक्षाओं, इनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए, अठारह सौ सत्तानवे ईस्वी में
बेलूर मठ की स्थापना की। बेलूर मठ में या रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, या इसे कह सकते हो बेलूर मठ में। ये कहाँ पे रामकृष्ण परमहंस बनाया था इसको भी देख लेगा, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस मिशन के लिए इन्होंने किस स्थान को चुना, बेलूर मठ। बेलूर मठ की भी स्थापना की। अब बेलूर मठ जो है कहाँ पर है, बंगाल में, किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी किनारे है, क्लियर। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रखेगा। वही स्वामी विवेकानंद भी उनका भी विचारों में रहता था कि जो है मानव धर्म सर्वोपरि है। वो हिंदूवाद जो को नया हिंदूवाद बनाना चाहते थे, वो जो हिंदू उनमें जो रूढ़िवादिताएँ थीं, जो कुछ कमियाँ थीं, उनको दूर करने के लिए वो एक नए हिंदूवाद कॉन्सेप्ट देना चाहते थे। इसीलिए इन्हें क्या नव हिंदूवाद का प्रणेता या जनक कहा था, कौन से, न्यू हिंदुइज्म, ठीक है, नव हिंदूवाद के जनक, नव हिंदूवाद के, नव हिंदूवाद के जनक, नव हिंदूवाद के जनक, क्लियर। जो देखा जाए इनके विचारों में प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति और साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का सुंदर समन्वय है, का समन्वय है, समन्वय है, मतलब दोनों संस्कृति का। इन्होंने जो है खासकर जो अपने विचारों में बताया कि आप सभी लोग जो पाश्चात्य संस्कृति में भागे जा रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी प्राचीन संस्कृति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी भी अपनी विशेषताएं हैं। तो इन्होंने लोगों को किसके लिए प्रमोट किया, अपनी प्राचीन, प्राचीन दर्शन को प्रोत्साहित किया, प्राचीन दर्शन को प्रोत्साहित किया। अभी अभी तक जो आ रहे हैं वो प्राचीन दर्शन संस्कृत से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। इन्होंने जो कहा कि मूर्त पूजा का जो है बहुत कट्टर रूप से विरोध नहीं किया, कि मतलब इनके जो रामकृष्ण परमहंस मिशन में जो भी सदस्य शामिल हो सकते थे वो मूर्त पूजा भी कर सकते थे। तो स्टेटमेंट मूर्त पूजा का जो है बड़े स्तर पर विरोध किया गया, तो इनके में नहीं हुआ, जबकि अदर वाले हैं उनमें मूर्त पूजा का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, ठीक है। तो मूर्त पूजा का विरोध बड़े स्तर पर नहीं है, इसमें भी इनके कॉन्सेप्ट में लिख सकते हो विवेकानंद जी में, मूर्त पूजा का, पूजा का विरोध नहीं, विरोध नहीं, ठीक है। समाज में सभी वर्गों में समानता, समानता का प्रयास करते हैं, समानता का प्रयास। इनके इनके बारे में मानना था किसी भूखे को यदि आप धार्मिक उपदेश दे रहे हो तो आप जो क्या कर रहे हो, पाप कर रहे हो, पहले उसको क्या देना चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक है। तो किसके विचारों में था, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में। काफ़ी इनके विचार ऐसे हैं जो बहुत बड़े, जो कह सकते हो समाज सुधारक के रूप में विचार इनके देखे गए हैं। ये बहुत सारे विचार हैं इनके, उठो जागो अपने लक्ष्य की प्राप्त तक ना रुको। इनका एक विचार था कि दुर्बलता ही मृत्यु है, जो भी चीज़ें, वस्तुएं, व्यक्ति आपको दुर्बल कर रहे हैं तो उनका क्या करो, त्याग करो। ये सब किसके स्टेटमेंट हैं, स्वामी विवेकानंद जी के, क्लियर। तो ये सब बातें दिमाग में रखते हैं। इनका भी वही मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं, वो ईश्वर एक मंजिल है, उपासना की पद्धतियाँ क्या हैं, कई सारी हैं, लेकिन अंत में किसके लिए आप पूजा अर्चना सब कर रहे हैं, एक ईश्वर के लिए, ये भी यही मानते हैं, कौन, स्वामी विवेकानंद जी। अब एक दो इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हैं, देखिए। एक जो है 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो में, इन्होंने किस में, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन, सम्मेलन में
भाग लिया विश्व धर्म सम्मेलन में, क्या लिया भाग लिया, किसने लिया विश्व धर्म सम्मेलन में भाग, स्वामी विवेकानंद। ये भी याद रखेगा, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हो रही थी, विश्व धर्म संसद भी कह सकते हो कभी कभी, तो ये वर्ल्ड किया जाता है, तो उसमें भाग लेने वाले कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के पॉइंट्स याद रखेगा। तो हम लोगों ने जो है कहाँ तक देखा, अब जो अगले पॉइंट में हम लोग रखेंगे किसको, आर्य समाज को। आर्य समाज के बाद जो आपका पॉइंट रहेगा कौन सा, बहुत सारे और भी सुधारक आए हैं आर्य समाज के बाद, हम लोग थियोसोफिकल सोसाइटी को भी देखेंगे उसने भी क्या किया। तो आज हम लोग इस टॉपिक में यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम इसमें जो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिर कुछ चीज़ों की और चर्चा होती है कुछ क्वेश्चंस की। अब देखो हमने जो जो बताया था पॉइंट्स एक बार देख लीजिएगा समान तरीके से, कन्फ्यूजन ना हो कोई किसी में भी। देखिए कल हम लोगों ने कौन सा देखा था टॉपिक, ब्रह्म समाज देखा था, उसके बाद कौन सा देखा था, ब्रह्म समाज से जुड़े हुए जितने भी समाज थे, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, उसके बाद हम लोगों ने कोई टॉपिक देखा था, ब्रह्म समाज ही तक हुआ था, ब्रह्म समाज के सारे जो है समाज हुए थे जो भी इससे रिलेटेड थे। कौन हुआ था, ईश्वरचंद्र, विद्यासागर का मैटर, और किसी का हुआ था, कौन सा, हाँ विलियम डेरेजियो का हुआ, जो यंग बंगाल आंदोलन यहाँ तक हुआ था। आज आपका कौन सा टॉपिक हुआ है, प्रार्थना समाज, और आपका जो है प्रार्थना समाज के बाद उसी में ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज, फिर विवेकानंद संबंधित कौन, रामकृष्ण परमहंस मिशन, और फिर आपका कौन सा हुआ टॉपिक है, बस इतना ही हुआ है, हाँ जो जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, यहाँ तक देखा हम लोगों ने। ठीक है, फिर अब हम लोग जो है करंट अफेयर देखेंगे, और जो मेंस का एक क्वेश्चन हमने एक दो बताया था उसका थोड़ा सा डिस्कस होगा, उसमें 1857 की क्रांति के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के इतने रखते हैं।